हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइड सून। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट हो आप, किसी जॉब को कर रहे हो, देन आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने 20s में हो और जॉब कर रहे हो या जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, तो जो ये आज हम 5 ऐसे बुक के बारे में बताने वाले हैं जो कि अगर आप पढ़ोगे तो जो आपका इंटायर जो जर्नी है आप काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। नंबर 1 बुक इज़ दैट भगवत गीता। आप भगवत गीता का नाम जानते होंगे, एक ऐसा बुक जिसको भारत संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आप अगर आप उस बुक को रीड करते हो तो आपको जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेगा। आपको जो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। एक बुक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपने आप में डीप पे एक नॉलेज है जिसको अगर आप ग्रहण करते हो तो आपका जो भी लाइफ प्रॉब्लम है आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसमें श्री कृष्ण थे उन्होंने काफ़ी एक अच्छा सा उपदेश दिया था अर्जुन को, जो इस बुक में एक्सप्लेन करा गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप अगर इस बुक को बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं बाय करना है तो आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बाय कर लेना। आपको जो आपका जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं फोर्स आपको नहीं कर रहा हूँ, आप बाय करो, आपके ऊपर आप कर लो। ठीक है, नंबर 2 बुक वो है दी विच इज रिच दैट पुअर डैड। ठीक है, अब एक ऐसा बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, एक कहीं भी आप अगर बुक आप कलेक्शन देख रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस बुक यही है रिच दैट पुअर डैड। अब इस बुक का जो कहानी है यार, वो पहले बात करते हैं लेखक वाले, लेखक कौन है। इसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट कियोसाकी, एंड ये एक ऐसे राइटर हैं जो कि काफ़ी एक बुक तो लिखे हैं बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बनाया। आपको काफ़ी अमेजोन के सेल्स में काफ़ी ऊपर आपको दिखेगा ये इस बुक का जो भी क्वालिटी है काफ़ी नंबर 1 की है। इसमें जो भी इसमें कंटेंट है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें 2 फादर के बारे में बात करा गया, एक है जो कि एक लेखक के पिताजी हैं और एक है उसके फ्रेंड के पिताजी। और बात करें लेखक के जो फादर हैं उसके, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पैसे को लेकर, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा लो हैं और आप वो काफ़ी ज़्यादा अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो उसके फ्रेंड के जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं एंड अपना जो अर्निंग है फाइनेंशियल फ्रीडम का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो ये बुक यार आपको फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ये जो कॉलेज है उसमें जो भी आप पढ़ाई करते हो वो एक पढ़ाई जो है आपको पैसे कमाने के लिए नहीं बताएगा। ठीक, कोई भी स्कूल कॉलेज हो आप अगर उसमें जाते हो तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे आप लोग पैसे को कमा सकते हो। ठीक है, आप हाँ पढ़ाई तो होता है वहाँ पे बट आपको पैसे को मैनेज करना, पैसे को अर्न करना, कंट्रोल करना वो वहाँ पे नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो आपको इस बुक में ये सभी आता है, ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं तो आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, एंड नंबर 3 बुक इज़ दैट थिंक ग्रो एंड रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। ये ऐसा बुक जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और जो मैंने 2nd बुक बताया रिच डैड पुअर डैड एंड आल्सो अवेलेबल इन हिंदी। आप उसको हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में उसको पढ़ सकते हो एंड जो ये बुक है वो भी हिंदी में अवेलेबल है। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है वो इस समय हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाकर रीड कर सकते हो अगर अपना जो भी लैंग्वेज है उसमें रीड कर सकते हो। ठीक है, राइटर के बारे में तो राइटर है नेपोलियन हिल्स विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड बात करें इस बुक में क्या खास बात है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि जो पैसे को मैं वो जो थॉट है अर्न करने का, पैसा मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी, ठीक है, वो इसमें तरीके बताए जाते हैं कि आपको क्या सोच होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है तो क्या सोच होना चाहिए। तो इस बुक में पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल बात करा गया है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास क्या क्या वो थॉट्स होने चाहिए जो कि आपके थिंकिंग को, आपके जर्नी को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाए, तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आपको अर्निंग करना है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको जो माइंड सेट है, थिंकिंग पावर है, आपको जो थिंक क्या कर रहे हो थिंकिंग में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बदलना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 4 बुक विच इज एटॉमिक हैबिट, एक ऐसा बुक जो काफ़ी ज़्यादा आप फेमस होगा। ठीक है, आप जानते हो कि इस बुक में बात करें तो इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर एंड इसमें इसको अपने जनरल लाइफ में थोड़ा रिलेट करते हैं, बताते क्या है। देखो, लोग सोचते हैं कि हम अपने जो जीवन में कुछ अलग करेंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे, तो ये जो उनका थॉट है वो चेंज करने के लिए ये बुक सफिशियंट है। कि इसमें अब ये बताया गया है कि जो भी लाइफ चेंजेस है वो छोटे छोटे चेंजेस में, जैसे आपको
आपने वो कहावत सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये जो कहावत है इस पर लागू होता है। ठीक है, आप अपने छोटे छोटे जो बूंद है आप उसको एक घड़े में भरो और एक कुछ दिनों बाद वो काफ़ी ज़्यादा घड़ा भर जाएगा। वैसे ही आपको लाइफ है, आप उसमें छोटे छोटे चेंजेस पहले करो, फिर एक साल बाद, कुछ साल बाद हो, कुछ साल बाद हो, कुछ साल बाद वो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चेंजिंग अपने लाइफ में चेंज लाना है तो ये बुक आपके लिए। नंबर 5 बुक विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी वेरी गुड, अगर आपको वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए कि आपको ये बुक पढ़ना ही चाहिए, विच इज़ ट्यूजडे विथ मॉरिस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप इस बुक को जरूर पढ़ना। जो इसका राइटर है वो है मिच एल्बम, वन ऑफ द बेस्ट राइटर फॉर यू फॉर इंटायर बुक जर्नी। अगर आप बुक पढ़ते हो तो इनका नाम आप जानते होंगे और सुने भी होगा, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। इसके बारे में थोड़ा बात करें तो इसका जो कहानी था, इसमें दो लोग हैं, एक है स्टूडेंट और एक है प्रोफेसर। प्रोफेसर है यार मिच एंड प्रोफेसर है सॉरी प्रोफेसर है हमारे मॉरिस एंड जो स्टूडेंट है वो है मिच। अब जो मॉरिस है वो अपने अंतिम अपने मरने काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो जो स्टूडेंट है मिच वो एवरी ट्यूसडे काफ़ी महीनों तक तो वो आता है, और जो मॉरिस और जो ये हैं ट्विस्ट जो सॉरी 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 जो मॉरिस हैं और जो ये मिच हैं वो दोनों लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो 14 हमें 14 ट्यूसडे इन्होंने अपने जो लाइफ का भी जो एवरी ट्यूसडे 14 ट्यूसडे तक उन्होंने बात करा था, इसमें एवरी ट्यूसडे अपने जीवन के बारे में कैसे उसको एक्सपेंड करें, कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज करें, कुछ हैबिट्स हैं वो इन्होंने काफ़ी अपने जर्नी को अपने शेयर करा है कि कैसे अपने जीवन में बिताना चाहिए, जो भी अपना इमोशंस हैं कैसे उसको एक्सप्रेस करें लोगों के साथ, कैसे इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। एंड अंत में लास्ट ट्यूसडे जब वो जो मॉरिस थे उनका जो देहांत होने वाला था तब वो अंत में इमोशनल भी हुए थे। ठीक है, तो ये बुक वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है, अगर आपको पढ़ना है तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा आप पढ़ो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुक है। तो ये रहे हमारे 5 बुक, अगर आपको किसी को बुक पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ सकते हो, बाय कर सकते हो, बट कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, कोई भी ज़्यादा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बाय करो, बाय करते ही रहो। ठीक है, अगर आपको बाय करना है तो देन यू कैन बाय। ठीक है, अगर आप नहीं करना है तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने 2 बार बोला। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।